हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन लंडवे देतीवन। पोस्ट ऑफिस से भर्ती का नोटिफिकेशन आ गया है और जिसमें आज से ही एप्लीकेशन स्टार्ट हो गए हैं। 3 अगस्त से लास्ट डेट 23 अगस्त रहने वाली है, तो ध्यान रखिए 23 अगस्त तक एप्लीकेशन फॉर्म भरे जा रहे हैं। कुल यहां पर 30,041 पोस्ट हैं, बिल्कुल नई पोस्ट हैं, ठीक है। और यहाँ कोई एग्जाम, कोई इंटरव्यू आप लोगों का नहीं होगा। यहाँ पर कोई भी 10th पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। जीडीएस की पोस्ट है, वीपीएम की पोस्ट है और एवीवीपीएम की पोस्ट यहाँ पर है। फीस जो है वो मात्र जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की 100 रुपये है, बाकी एससी एसटी पीडब्ल्यूडी की यहाँ पर कोई फीस नहीं है। तो आज से ही जो है वो आवेदन स्टार्ट हैं और ये गवर्नमेंट जॉब है। तो चलिए कंप्लीट नोटिफिकेशन के लिए इसकी जो मेन वेबसाइट है भारतीय डाक की, ये जो है भारतीय डाक की मेन साइट है, जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट। यहाँ पर आप लोगों को न्यू में रनिंग में नजर आ रहा है चलता हुआ नोटिफिकेशन फॉर जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट 2023 शेड्यूल 2, ठीक है। अब शेड्यूल 1 में कई स्टूडेंट जो है रह गए थे सिलेक्शन के लिए, बाकी बहुत सारे स्टूडेंट का हुआ और कुछ नोटिफिकेशन में चेंजमेंट भी है, वो भी हम सारी चीजें यहाँ देखेंगे। तो अब जो है नोटिफिकेशन हम चेक कर लेते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। तो यहाँ पर जो है 31 जुलाई 2023 को नोटिफिकेशन आ गया, बट एप्लीकेशन आज से स्टार्ट हुए हैं 3 अगस्त से। एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल एप्लीकेंट फॉर एंगेजमेंट एज ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस ब्रांच पोस्ट मास्टर वीपीएम और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर एवीवीपीएम डाक सेवक की, ठीक है। तो 30,000 से भी अधिक जो है वो पोस्ट हैं और भारत के किसी भी राज्य के अभ्यर्थी यहाँ पर एप्लीकेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन की डेट है 3 अगस्त से शुरू, आज से ही शुरू, 23 अगस्त तक चलेंगे। यदि एप्लीकेशन करते वक्त कोई मिस्टेक हो जाती है तो उसके लिए जो है आप लोग करेक्शन का जो इन्होंने डेट दी है 24 अगस्त से 26 अगस्त तक। वीपीएम जो है इनकी जो सैलरी है यहाँ पर 12,000 से 29,380 मिलेगी। एवीवीपीएम और डाक सेवक को यहाँ 10,000 से 24,470 रुपये यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा बाकी जो है आप देख सकते हैं कि सरकारी नौकरी है तो और भी अलाउंस जो है वो अन्य भत्ते जो है वो आपको मिलते ही है। अब जो है यहाँ पर एज जो है लिखी गई है मिनिमम 18 और मैक्सिमम 40, तो 19 पेजेस की ये पीडीएफ फाइल है। तो मेन मेन चीजें जो मैंने हाईलाइट की हैं वो आप देख सकते हो। एससी एसटी 5 साल की छूट है, ओबीसी की 3 साल की, और ईडब्ल्यूएस को कोई भी एज रिलैक्सेशन नहीं है, बट यहाँ लिखा है कि 10% रिजर्वेशन जो है इनको जीडीएस पोस्ट में मिलेगा। पीडब्ल्यूडी जो है उनको 10 साल की छूट है और पीडब्ल्यूडी ओबीसी के 13 साल की छूट है, पीडब्ल्यूडी एससी एसटी को 15 साल की छूट है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर 10th स्टैंडर्ड मांगा गया है। साथ में एक चीज और कही गई है कि आपने 10वीं में जो है मैथ और इंग्लिश आपके पास कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में होने चाहिए। सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहेगा यहाँ पर, तो मेरिट लिस्ट निकलेगी, आप लोगों को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा आपके मार्क्स के बेस पर और फिर जो है वो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। एप्लीकेंट हैविंग बोथ मार्क्स एंड ग्रेड, अब यहाँ पर ये एक चेंजमेंट है। यहाँ पर जो है एप्लीकेंट हैविंग बोथ मार्क्स एंड ग्रेड, यानी मार्क्स और ग्रेड अगर किसी की मार्कशीट में है तो अप्लाई जो है वो केवल मार्क्स के बेस पर ही करना है। अभी एप्लीकेशन करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करना होगा। एप्लीकेंट विल हैव टू फर्स्ट रजिस्टर्ड हिमसेल्फ या हरसेल्फ ऑन द जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट पोर्टल, ठीक है, जो मैंने आपको अभी दिखाई थी, एट द लिंक इंडिया पोस्ट जीडीएस ऑनलाइन डॉट गवर्नमेंट डॉट इन। इस पर आप जो है सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद जो है वो आपसे फीस मांगी जाएगी, 100 रुपये फीस जो है वो आप यहाँ पर लगाएंगे। और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी जो कैंडिडेट है इनकी जो है वो कोई फीस नहीं है यहाँ पर। ऑनलाइन एप्लीकेशन कर देंगे उसके बाद, यानी फॉर्म को फिल कर देना है, फिर जो है वो अपने बाकी जो डॉक्यूमेंट हैं उनको अपलोड कर देना है। यहाँ पर जो है वो थोड़ा ध्यान देना है, स्कैन डॉक्यूमेंट रेडी इन सॉफ्ट कॉपी, ठीक है, तो सॉफ्ट कॉपी में आपको चेंज करके और आप लोगों को अप्लाई करना है। यहाँ पर जो है इन्होंने लिखा है कि अपलोडिंग फाइल फॉर्मेट जो है वो आपका 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, साइन जो है वह भी आपके 20 KB से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, तो बस ये चीज़ जो है वो आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। बाकी कंप्लीट नोटिफिकेशन जो है वो पढ़ के और आप लोग एप्लीकेशन करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।